नमस्कार, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे सामने आज जो है आचार्य हितेंद्र पांडे जी, जो जगत गुरु स्वरूपानंद जी शंकराचार्य जी के शिष्य है और भागवताचार्य है। आचार्य जी, आप ये बताइए कि कई भागवत आपने की है, आप कई भागवत के संयोजक रहे हैं और गुरु जी का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर रहा है। अभी किस तरह की भागवत आप कर रहे हैं, किस टाइप की भागवत का कार्यक्रम तो चलते रहता है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। प्रसन्नता का विषय यह है कि परम श्रद्धेय पूज्यपाद जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज के श्रीमुख से हम सभी भक्तों को श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने का शुभ अवसर मिलेगा। हम पूज्य गुरुदेव भगवान की श्रीमुख से यह भागवत कथा श्रवण करने का अवसर विश्व कल्याण आश्रम झारखंड में निश्चित हुआ है, जहाँ पूज्य गुरुदेव प्रतिवर्ष होली के उत्सव में वहाँ पधारते हैं और ईसाइयों के बीच, ईसाई धर्म में गए हुए आदिवासियों के बीच धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। मित्रों, यह कार्यक्रम पूज्य गुरुदेव जी महाराज के श्रीमुख से कथा श्रवण करने का अवसर मिलेगा और इस कार्यक्रम में 108 ब्राह्मणों के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण, चारों वेदों का पारायण, 18 और अन्य पुराणों का पारायण, साथ में दीपदान और संगीत इत्यादि अनेक कार्यक्रम वहां आयोजित किए जाएंगे। हम सभी भक्तों से ये अनुरोध करेंगे कि इस कार्यक्रम में तन मन धन से अपना सहयोग दे करके इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। पूज्य गुरुदेव जी भगवान के श्रीमुख से यह कथा श्रवण करने का हम सभी भक्तों को शुभ अवसर प्राप्त होगा। देख सकते हैं जोशीपीठ के अंदर आचार्य जी ने अपनी बात कही और भागवत कही कर चुके हैं और अभी विश्व कल्याण आश्रम में ये जोशीपीठ मठ का मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ। चारों तरफ पहाड़ी पहाड़, हिमालय की गोद में। और आज आचार्य जी ने, हितेंद्र पांडे जी ने आज जो आपको कहा वो अपने आप में बहुत ही शब्द कम पड़ जाते हैं हमारे। और इन्होंने जो भागवत, मैं क्या बताऊँ, मैं खुद नहीं जानता, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि जो ये भागवत करते हैं, इतने धमासान भागवत होती है, इतनी धमाकेदार होती है और लोग इतने आते हैं श्रोता सुनने के लिए और इतनी साफ सुथरी भागवत, वो भी संगीत में भागवत, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इस बार जो प्रोग्राम उनका है बहुत बड़ा, वो ईसाइयों और आदिवासियों के बीच में है, सबसे बड़ी बात है। जो ईसाई बन चुके, जो भारतीय है, वो धर्म परिवर्तन करके ईसाई बन गए, आज उसके उन लोगों के बीच में, आदिवासियों के बीच में ये जो भागवत करेंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। उनको भी धर्म की लाह में, धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का ये बहुत बड़ा कार्य है। मैं आचार्य जी के साथ हेमंत तोसावर, हेमंत टीवी चैनल से।